है, क्योंकि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी टक्कर में दिखाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत पाने में यहां 6 सीटें पीछे रह गई। लिहाजा दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ सरकार बना करके और गठबंधन के जरिए 4.5 साल तक सरकार चलाई जाती है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, कैसे देखते हैं मनोहर लाल खट्टर का यह बयान कि बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, जबकि 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां भी विधानसभा में कुछ खास सुखद स्थिति नहीं थी, इस वक्त देखा जाए तो परिस्थिति और भी मुश्किल है। देखिए, खट्टर साहब के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि तीसरी बार की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उस तीसरी बार में वो शामिल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या खट्टर ने ऐसा क्या किया कि उनको सत्ता से उनको हटाना पड़ा, केंद्र की राजनीति में लाना पड़ा। नायब सिंह सैनी क्या वो नाम है जिनके कह सकते हैं नाम के ऊपर लोग अपना विश्वास जताते हुए नजर आ जाए? आप देखिए जिस तरह से वो अब रैलियां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कई जगह जाकर भाषणबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का जमावड़ा होना चाहिए वैसा जमावड़ा दिनेश जी नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अंदर से कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि आप देखिए अमित शाह 2-3 बार लगातार जाते हैं, कभी ओबीसी के ऊपर बयानबाजी करते हैं, कभी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, कभी अपने आप को बनिया का बेटा कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल से अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसको अब जवाब। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में चौटाला परिवार की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में चौटाला परिवार एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। 93 वर्षीय दिग्गज नेता और हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने यह ऐलान कर दिया है कि वर्ष 2024 में झूठ और लूट की सरकार का हरियाणा से सफाया होने जा रहा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के सबसे दिग्गज सक्रिय राजनेता हैं। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने देखा कि 2009 में जिस वक्त टीचर घोटाला मामला सामने आया, उस दौरान ओम प्रकाश चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या वाकई में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए अब ओम प्रकाश चौटाला के बयानों के बाद परिवार एकजुट होता हुआ नजर आए। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ज्यादातर वक्त सिरसा, गुरुग्राम और चंडीगढ़ आवास पर बिताते हैं, जहां पर चंडीगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने हर एक उस सवाल का जवाब दिया जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जब उनसे पूछा गया कि वर्तमान में प्रदेश में चल रही नायब सिंह सैनी की सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर का विश्वास खो चुकी थी और ऐसे में नायब सिंह सैनी को रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ऐसे में आगामी वक्त में हरियाणा में बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है। दूसरा सवाल ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, जबकि तीसरी बार कहीं ना कहीं जनता के जनादेश के बावजूद उनको यहां पर जीत नसीब हुई है और NDA सरकार का एक बार फिर से वह प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। तो इस पर ओम प्रकाश चौटाला साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेस प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कोई विजन नहीं है। विजन न होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और ऐसे में किसानों, नौजवानों, महिलाओं की दुर्दशा है। देश में महंगाई कमर तोड़ है, बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है और PM मोदी सिर्फ अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। कोई भी जन कल्याणकारी, जनहितैषी काम उनके द्वारा नहीं किए गए। इसके साथ साथ वोट बैंक को साधने के लिए और हरियाणा के युवाओं में एक उम्मीद जगाने के लिए यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला ये भी कहते हुए नजर आए कि आने वाले वक्त में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं और किसानों की समस्याओं के लिए इनेलो की सरकार बनने जा रही है। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के वक्त पर इस्तीफा दे दिया था और उससे ये प्रतीत हो गया था कि हरियाणा की राजनीति में किसानों को लेकर के INLD कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करती हुई नजर आएगी। हालांकि कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी वे जीतने में नाकाम रहे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि BSP के साथ गठबंधन हो जाने से यहां पर पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। पार्टी एक नई राजनीतिक यहां पर शुरुआत करती हुई नजर आएगी और हरियाणा में मुख्य निर्णायक भूमिका में साबित होगी। उन्होंने कहा कि BSP इनेलो की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। हम शोषितों, वंचितों, दलितों की आवाज को
संवैधानिक रूप से उठाने का काम करेंगे, उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे और आगामी वक्त की रणनीतियां तय की जाएंगी। आपको बता दें कि चौटाला परिवार दो गुटों में उस वक्त बट गया था जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े खेमे यानी कि अजय सिंह चौटाला के परिवार ने नई पार्टी जननायक जनता पार्टी का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी का उद्देश्य प्रकार हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त के सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला और उसके साथ साथ उनके भाई दिग्विजय चौटाला को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर पार्टी से बिना किसी कारण के नोटिस दिए उन्हें बर्खास्त कर दिया था, उन्हें बाहर निकाल दिया था। ऐसे में जननायक जनता पार्टी ने वर्ष 2019 में हरियाणा में हुए विधानसभा के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़ी जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं सरकार बनाने में एक अहम कड़ी साबित होते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आए। 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी चलाई, लेकिन ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर अब क्या दुष्यंत सिंह चौटाला उन 10 सीटों पर अपना सियासी वर्चस्व बता पाएंगे, क्योंकि हरियाणा में किसानों के मुद्दों को लेकर बार बार यहाँ पर उनकी किरकिरी हुई है। हमने देखा कि किसान आंदोलन के वक्त तक जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने तक चलता रहा, उसके साथ साथ 12 फरवरी 2024 को फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना चाहा और उस वक्त फिर से हरियाणा सरकार के द्वारा बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर किसानों के हितों को लेकर यहाँ सजग नहीं है और आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए महज वो यहाँ पर किसानों के वोट बैंक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार के दौरान जहाँ पर भी मौजूद हुए, जिस भी गांव में जिस भी कस्बे में गए, वहाँ पर उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में जननायक जनता पार्टी फिर से हुंकार भरती हुई नजर आएगी और क्या चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हो या अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, तमाम इन जो परिवार के नेता हैं इनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि अपनी गलतियों का पश्चाताप करें और आने वाले वक्त की राजनीति को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेते हुए नजर आए। देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके की सियासी रणनीतियां तैयार होती हुई नजर आती हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक समीकरणों को बनाती हुई यहाँ पर हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है। कांग्रेस पार्टी जो कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है, क्या इन राजनीतिक दलों के दांव में उदम नजर आएगा और क्या आगामी वक्त में हरियाणा की सियासी फिजाएं बदलती हुई नजर आएंगी। इस वक्त बता दें आपको कि विपक्ष के पास जहां 45 विधायक मौजूद हैं तो 43 विधायकों का समर्थन नायब सिंह सैनी की सरकार के पास है, लेकिन इस वक्त विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में अपनी सरकार का जो कहीं ना कहीं बहुमत है वो खो चुके हैं, समर्थन खो चुके हैं, अल्पमत में सरकार चला रहे हैं, नैतिकता के आधार पर अब नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उम्मीदें ये हैं कि आने वाले चंद दिनों में ही हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या वाकई सत्ता का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।